हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मसूर की दाल। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इस रेसिपी को आप भी बनाइए, रोटी चावल पराठा के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसूर की दाल बनाने की सामग्री है पानी। एक कप मसूर की दाल है जिसे हमने अच्छे से धोकर 30 मिनट पहले भिगो लिया था। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच जीरा, एक सूखी लाल मिर्च, एक चौथाई चम्मच हींग, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चार कली लहसुन की है जिसे हमने कट कर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार, एक बड़ा चम्मच नमक लेंगे, दो चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच घी, एक हरी मिर्च कटी हुई, 7 से 8 करी पत्ता, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। दाल को हम कुकर में बनाएंगे। कुकर हमारा गर्म हो गया है, तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, जीरा डालेंगे। आधा जीरा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, प्याज डालेंगे, करी पत्ता, हरी मिर्च। प्याज सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज के साथ 1 मिनट तक पकाएंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने पका लिया है। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार मिलाएंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमने पका लिया है, तेल भी हमारा अलग हो गया है। मसूर की दाल डालेंगे, मिलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। दाल को हमने 2 मिनट तक पका लिया है, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 से 4 कप पानी डालेंगे। चार कप पानी हमने डाल दिया है, अच्छे से मिलाएंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे। 2 सीटी होने तक तेज आंच पर पका लेंगे। 2 सीटी हो गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है। कुकर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। दाल को हम मिक्स करेंगे। दाल अच्छे से पक गई है। हरा धनिया पत्ता डालेंगे, मिलाएंगे। धनिया पत्ता को हमने अच्छे से मिला लिया है। दाल को हम साइड में रखेंगे और तड़का लगाएंगे। तड़का पैन हमारा गर्म हो गया है, घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, जीरा डालेंगे, लहसुन, करी पत्ता। लहसुन को हम अच्छा ब्राउन होने तक पकाएंगे। लहसुन ब्राउन हो गया है, हींग, सूखी लाल मिर्च, गैस को बंद करेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे। दाल को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। तड़के को हम दाल में डाल देंगे।
मिला लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। गर्मा गर्म मसूर की दाल बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइए, रोटी चावल पराठा के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।